रीवा जिले के त्योथर बिजली डिवीजन में कटरा डीसी के कई ग्रामों में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के एवज में बिजली अधिकारियों द्वारा चंदा कर रिश्वत देने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बताया गया है कि पिछले दिनों लाल गांव और कटरा के प्रभारी जेई संजय गुप्ता द्वारा अपने बचाव में वीडियो जारी कर 19 ग्रामीणों पर कुल 48,000 रुपए का बिजली बिल बकाया बताया गया है, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं का कहना है कि यह बहुत पुराना बिल है और बिजली अधिकारी रिश्वत मामले को दबाने और दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। उपस्थित ग्रामीण अविनेश पटेल और अरुणेन पटेल के साथ अन्य ने बताया कि यदि दूसरे प्रकरणों को देखा जाए तो उसके मुकाबले उनका बकाया बहुत कम है और लगभग 20,000 से 25,000 के लगभग है, जबकि उसमें अभी ट्रांसफार्मर जलने वाले महीने का भी आधा से अधिक बिल सम्मिलित है, जिसे वह देने के लिए इसलिए बाध्य नहीं है क्योंकि ग्रामीणों ने बिजली का 2 माह से कोई उपयोग ही नहीं किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वह बकाया बिल भी नहीं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले उनका ट्रांसफार्मर लगाया जाए और साथ में दोषी डिविजनल इंजीनियर सुशील यादव, असिस्टेंट इंजीनियर जवा गड़े सकोदिया और जूनियर इंजीनियर संजय गुप्ता पर कार्यवाही की जाए। देखा जाए तो ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसे बदलने में आनाकानी करने और रिश्वत की मांग का यह अकेला मामला नहीं है। संपूर्ण जिले में लगभग 1,000 ट्रांसफार्मर फेल हैं और उन क्षेत्रों में बिजली पूरी तरह से बाधित है, लेकिन बिजली विभाग हर जगह मनमानी करने में उतारू है और ग्रामीणों और किसानों को गलत बिजली बिल के नाम पर टॉर्चर कर रहा है। ऐसे में सोराहवा और बड़ोखर ग्राम के ग्रामीणों ने तो बिजली अधिकारियों के नाम से मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं और दोषियों पर कार्यवाही करते हुए तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की है। आइए देखते हैं उक्त मामले में ग्रामीणों का क्या कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। लाल पटेल ग्राम बड़ोखर के निवासी हैं। जो सोराहवा में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आज कम से कम महीनों का जला हुआ है। उसमें से संजय गुप्ता जी ने 48,000 का फ्लाश बिल भेज दिए हैं। उसमें से जो है तो कुछ उपभोक्ताओं का बकाया है, कुछ का पूरा पेड हुआ है। उसमें मोटर पंप का तो पूरा ही जमा हुआ है, एक दो का छोड़ के। घर में भी सबका जमा है, 2-4 का है शेष। इसलिए जो है तो बड़ी परेशानी है। अब क्या, मेरा नाम अभिनेश पटेल, ग्राम सोराहवा से, जो कि मेरा चक्की का कनेक्शन है, चक्की का व्यापार करता हूँ। 3 साल से चल रही है जो कि परमानेंट लगातार बिल जा रहे हैं। 1-2 महीने का जो भी बिल है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ठीक है ट्रांसफार्मर डाले या जो भी थोड़ा बहुत 20-25 हज़ार के आसपास बिल यहाँ है बाकी, जबकि ट्रांसफार्मर से मिनिमम तो 2-2.5 लाख-3 लाख तक बिल बाकी रहते हैं। फिर भी 1 महीने लगातार, ये तो सालों से बिजली खराब चल रही थी, फ्यूज रुक नहीं रहा था और महीने से तो ये ध्वस्त पड़ा हो गया पूरी तरह से। संजय गुप्ता कहा था कि पैसा लावा चंदा से तो ट्रांसफार्मर लागी, तो हम लोग गरीब आदमी महीना से यहाँ मर रहे हैं। एक राय बिजली का जोर नहीं है कि हम बच्चे मरी हैं बरसात में। हाँ तो इतना पैसा जमा कर आई थे भैया का नाम बतावा हो, फिर बता दिए वो 7,500 रुपये जमा कर आए हैं और अपना बच्चे हैं रोज बिल मांगी, तो हम कहाँ पाए गरीब आदमी यहाँ सबके। नाम है मनराज पटेल, ग्राम सौरभ बड़ोखर के रहने वाले हैं। बिजली का बिल हमारा करीबन 1-2 माह का होगा, बाकी हमारा बिजली पूरा भुगतान किया है और बिजली ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं। बोलते हैं कि पैसा दो तो बिल ट्रांसफार्मर लगाएं। यही संजय गुप्ता मुर्दाबाद।